आजकल फ्लाइट कंपनी और नेताओं के बीच ना कुछ ठन सी गई है। नए नए विवाद आजकल देखने को मिलते हैं। अब एक नया मामला सामने आया है बेंगलोर से। आरोप लगा है कि एयर एशिया नाम की फ्लाइट कंपनी ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपनी जहाज में बैठने नहीं दिया, और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि राजभवन ने लगाया है। दरअसल राज्यपाल गहलोत को किसी दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए हैदराबाद जाना था, लेकिन एयर एशिया की फ्लाइट ने बगैर राज्यपाल को लिए ही हैदराबाद के लिए टेक ऑफ कर लिया। अब पूरे मामले में विमान कंपनी की तरफ से जो खबर जो सफाई सूत्रों के हवाले से मिल रही है, उनके अनुसार राज्यपाल एयरपोर्ट पर देरी से पहुंचे। सूत्रों के अनुसार फ्लाइट दोपहर 2:05 पर बेंगलुरु से हैदराबाद के लिए रवाना होने वाली थी। राज्यपाल डिपार्चर से ठीक 4 मिनट पहले दोपहर 2:01 पर वहां पहुंचे। हालांकि सिक्योरिटी जांच और दूसरे प्रोटोकॉल को डिपार्चर से 15 मिनट पहले पूरा करना जरूरी था, इसलिए राज्यपाल के लिए सिर्फ 4 मिनट बाकी रहते हुए विमान में चढ़ना मुश्किल था। वहीं राजभवन का दावा है कि राज्यपाल महोदय एयरपोर्ट पर 1:30 ही पहुंच गए थे। प्रोटोकॉल के अनुसार उनके पास Z+ कैटेगरी की सुरक्षा है, ऐसे में उन्हें विमान पर सबसे आखिरी में चढ़ना था। फ्लाइट क्रू को गवर्नर का ट्रेवल प्लान बता दिया गया था। उन्होंने बताया कि वे विमान के पास गए, सामान ग्राउंड हैंडलर को सौंप दिया। टर्मिनल 1 से विमान तक पहुंचने में समय लगता है। राज्यपाल 2:06 पर फ्लाइट के पास पहुंच गए। विमान का गेट खुला हुआ था, लेकिन फिर भी तमाम अनुरोधों के बाद भी उन्हें फ्लाइट पर बैठने नहीं दिया गया। इस मामले में एयरलाइन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस घटना पर विमान कंपनी ने अफसोस जताते हुए जाँच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। बाकी इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट करके बताइए और देखते रहिए ABP Live।